समय भी हम लोग घूमने के लिए हम लोग को भेजा जाता था रेस कोर्स जाओ और आइस स्केटिंग वगैरह। आप लोग की अम्मा मतलब आप लोग की मम्मी लोग के टाइम की बात है ये, पता नहीं कितने साल पहले, कितने साल पहले। हाई एवरीवान, वेलकम टू हेडवे लाइफ स्टाइल विद स्नेहा सिंह। आज मैं आपको बता रही हूँ मेरे नाना लोग का बनाया हुआ पुराना घर, उसका एक छोटा सा टूर दूंगी, कंप्लीट टूर नहीं बट कुछ कुछ एरियाज बताऊंगी कि कैसे पुराने घर बनते थे। हालांकि अभी इस घर में बहुत लोग नहीं रहते, हार्डली कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर, मोस्टली सब लोग मूव कर चुके हैं बिकॉज स्ट्रक्चर थोड़ा ओल्ड हो गया है। बट मैंने सोचा क्योंकि मैं गाँव आई हूँ तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि मेरे नाना लोग का बनाया हुआ पुराना घर कैसा था, कैसा दिखता है, एंड स्पेशली मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी, कभी भी उनको देखने का मन करेगा ये घर, घर बैठे बैठे वो यूट्यूब पे चेक कर सकते। दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट आई थॉट ऑफ एंड मेरे लिए भी एक मेमोरी रहेगी। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एक्चुअली मैं घर पे ऑलरेडी हूँ बट मैं आपको घर का टूर इसके बाद से स्टार्ट करूँगी। मैं आपको मिलवा देती हूँ मेरे भैया के बच्चों से। आओ मेदांश, ये मेदांश है, ठीक है, ये मेरे बलरामपुर में एक भैया रहते हैं, उनका बेटा है, और शी इज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। I am Avishi Bifen and she is Medansh's elder sister. तो ये मेदांश की बड़ी बहन है, ये भी भैया की मेरे बेटी है, अविशि इसका नाम है, एंड शी ऑल्सो स्टेज इन बलरामपुर। कभी बलरामपुर अगर जाना हुआ तो मैं आपको इनके घर पे भी ले जाऊंगी और वहाँ से भी हम घूमेंगे, मोस्टली नॉट इन समर्स बिकॉज इट्स वेरी हॉट ईयर नाउ डेज, बट येस डेफिनेटली इन विंटर्स वील ट्राई टू डू दिस ईयर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बिगनिंग, ये है वो लेन जहाँ से हम घर पे एंटर करते हैं और ये है फर्स्ट लुक, कितना सुंदर, कितना बड़ा, और यस इसको देख के ऐसा लगता है कि देर इज़ समथिंग, यू नो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यू नो जिसकी चहल पहल ख़त्म हो गई है पर इसकी ग्लोरी अभी भी वैसी की वैसी है। और ये जो आप देख रहे हैं सब जो कारीगरी है, जो बनावट है, इसके लिए मैंने जहाँ तक सुना है मम्मी से, मौसियों से, मामा से, कि कानपुर से कारीगर मंगाए गए थे। इसकी स्टोरी तो खैर मम्मी मौसी सब लोग आपको अपनी ज़बानी ही बताएंगे आगे जाके वीडियो में, बट मैं आपको दिखा रही हूँ ये घर। तो ये थी मेन एंट्रेंस जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर गेस्ट को पहले ठहराया जाता था, और ये जो आप सामने अभी देख रहे हो यहाँ पर यू नो गाय भैंसों को रखा जाता था, और एग्जैक्ट सामने दो हाथी रखे जाते थे। जी हाँ, हाथी रखने की जगह थी, और यहाँ पर बैलों वगैरह को बांधा जाता था। सामने आपको मंदिर दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, मतलब आप ये समझिए कि ये घर इतना शुभ तरीके से बनाया गया था कि मतलब हर वो चीज़ जो एक घर को शुभ बनाती है वो सब कुछ यहाँ पर था। और आप जो ये कारीगरी यहाँ पर देख रहे हैं, पहले POP का काम नहीं होता था, पहले सीमेंट पर सारा काम होता था। तो सोचिए ये सब हैंडवर्क है इतने सुंदर तरीके से, और ये पुराना पेंट कितना सुंदर है, आज भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना एंटिक लुक है इसका। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब ये घर अपने पूरी ग्लोरी में होगा तो कैसा दिखता होगा। ये जो आपने जगह देखी जहाँ पर ऊपर काला पड़ गया था, वहाँ पर बेसिकली दिया जलाया जाता था जिसको डिबरी बोलते थे, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे जिनको पता होगा। डिबरी बेसिकली कांच के जो बॉटल होती है ना, जैसे दवाइयों की बॉटल होती है वैसी बॉटल होती है, उसमें केरोसिन भरा जाता था और ऊपर उसके ऐसे छोटा सा हिस्सा निकला हुआ था जहाँ से कंटिन्यू एक बार जला दो तो उसको जब तक बुझाओ नहीं अच्छे से उसमें से आग जलती रहती थी जब तक क्रोसिन ना खत्म हो। तो पहले डिबरी यूज़ करते थे क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म जलाना होता था, तो पहले ऐसे लाइट वाइट नहीं, डिबरियाँ ज़्यादा यूज़ होती थी पुराने घरों में, तो वो उसके लिए वो दीवार के ऊपर का हिस्सा ऐसे डार्क पड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये बेसिकली वो हिस्सा है जहाँ पर ये पता है ये मिट्टी का बना हुआ है पूरा, और उसमें ग्रेन स्टोर किए जाते थे पहले के टाइम पे। ये बालकनी एरिया है जहाँ पर से आपको पूरा व्यू दिखेगा। अब तो ये घर पुराना हो गया, काफ़ी सारे हिस्से ध्वस्त भी हो गए हैं, इसके पेड़ उग गए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग रहते हैं जैसे कि मैंने बताया, अभी तक पूरा आइसोलेट नहीं हुआ ये घर। चलो साथ में, चलो 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 चलो। हाँ जी, ऊपर चलना है। कोई बात नहीं, जाने दो उसको, ऊपर नहीं बने, यहाँ चलते ना। कुत्ते काट लेंगे उसको। नहीं, कोई नहीं काटेगा। तो यह है घर का एक हिस्सा, ऐसी जालियां लगी होती थी ताकि रोशनी नीचे तक जाए। ये नीचे किचन का हिस्सा था, एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, अब ऑब्वियसली ये सब बंद है, बट ये पुराना जो था एक खंड था, ऐसे ये घर दो खंडों में डिवाइडेड है। ये वो वाला एरिया है जो नीचे देखा था हम लोग ने सब पेंट किया हुआ, इसको इसके आगे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बाहर से कारीगर मंगाए थे।
और ये इतनी बड़ी सी छत है इस घर की। मम्मी बहुत सारी स्टोरीज हमेशा से शेयर करती है कि कैसे बचपन में सारे बच्चे आके यहाँ पर जमा हो जाते थे, नीचे से जो हाउस हेल्प होते थे वो खूब सारा खाना पानी वगैरह सब लाके बच्चों को यहाँ पर देते थे। काफ़ी सारी मेमोरीज है मेरी मम्मी की एंड आई एम श्योर उसी तरह से मेरी मौसियों की, मेरे मामा की भी होंगी, बट मम्मी हमेशा बात करती रहती है। देखिए पुराने दरवाजे कितने मजबूत हैं, आज भी कितने मजबूत हैं। सो इस तरह का है, यू नो, ये घर आज भी एकदम बुलंद और मजबूत खड़ा है। ये देखिए स्टेयरकेस नीचे जाते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप खुद देखोगे अभी ये अभी तक ये जो जालियां हैं ये सब पुरानी अब तक लगी हुई हैं, अभी भी ये घर काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये देखिए झरोके हैं, नेचुरली लाइट आने के लिए अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब बंद होने के बावजूद भी ये घर में रोशनी आने की बहुत सारी जगह है। क्या मेमोरीज आप लोगों की पुरानी यहाँ पर घर की? हाँ, अभी तो देखिए घर में क्योंकि कोई है नहीं, अभी घर में कोई है नहीं क्योंकि, तो अभी तो एकदम अलग ही लगता है घर ना, पुराना भी हो गया है, पहले अलग था ना। अब हाँ, अच्छा मम्मा आप जो बताती हो मुझे, मम्मी बताती है मुझे कि पहले मतलब नाना जी लोग की एकदम अलग ही शांति जैसे वो लोग रखते थे। हाँ, तो वो बाहर जो है वो हाथी रखने की जगह है ना, कितने हाथी थे वहाँ पर? दो, एक, दो हाथी थे। और वो पान वाले भैया का क्या आपने बताया था? हाँ अच्छा, हमेशा अच्छा डाक खाना अपने घर में ही था, यहाँ पर ही था। हाँ, वो लंबे से जो है पूरे वो गेस्ट रूम्स थे और घर के लोग घर के अंदर, गेस्ट जो थे वो बाहर ही बाहर ऐसे। 32? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो देखा डबल इसमें। हाँ, कानपुर से बड़ी वाली दीदी बताती है। हाँ, 100 कारीगर लगे थे बनाने के लिए, लेबर जो थे। हाँ, उस समय 100 लेबर लगे थे। अच्छा, खुद का भट्टा बनाया गया था ईंटों के लिए, घर बने इसके लिए, अलग ही शान ना। हाँ, अच्छा, हाँ और क्या, हाथी पे आप भी घूमिए मम्मा, हाथी पे यहाँ पर नहीं, आप लोग बैठे क्यों, आप क्यों नहीं? अच्छा, छोटी थी है तभी आप। हाँ, हाँ इस घर को एक्चुअली मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है ना, बहुत बड़ा घर है और बहुत मतलब पुराना है, उसको बहुत मेंटेनेंस लगेगी। हाँ सब निकल गए, सबको नया करना चाहिए। हाँ करेक्ट, कितने सर्वेंट्स थे? अच्छा, आज वो हैंडपंप जो आंगन में है ना लगा हुआ, हाँ हाँ पर्सनल हुआ था। हाँ वो मंदिर भी देखा मैंने, शॉट लिया है उसका मैंने।
क्षेत्र में बहुत सिद्ध है और वहाँ वो सेवा पे भी मंदिर जो बना। हाँ हाँ अच्छा, कितने भाई थे कुल मिला के? छह भाई थे, छह भाई एक बहन। सबने मिलकर बनाया था घर। हाँ जीरो से एकदम अपना सब कुछ ना, जीरो से। हाँ सब जगह मकान तो भाई बाबा लोग थे। हाँ तो उन लोग याने क्या किया और हमारे कई लोग छोटे छोटे थे। हाँ बाबा हमारे जब उन्होंने निकाला तो पसेरी पहले बोलते थे पर एक तराजू कर अनाज दिया था। हाँ भी मटर। हाँ वही दे के निकाल दिए थे। हाँ फिर उन्होंने लेके जब यहाँ आए, यहाँ आके फिर इतना बड़ा सब मकान बनाया सब अपनी मेहनत से, अपने मेहनत से सब किया खेती। और उस समय भाई ने इतना बहुत किया। छह भाई ने फिर गए यानी एक जो किशनपुरा है। हाँ वो हम लोग का पैतृक गाँव। अच्छा वही रहते थे सब। हाँ वहीं से निकाले थे तो उसी से छह भाई छह गाँव में। अच्छा ये सब तो खरीदा हुआ है। हाँ सब जगह मकान भी बने, मकान सब जगह जहाँ खरीदे वहाँ मकान बने। जो भी भाई वहाँ पे रहेगा उनका परिवार रहेगा। हाँ तो उनको रहने के लिए और यहाँ से फिर एक जो है ना बम्बे वाले आज। हाँ हाँ उनके यानी हस्बैंड गए यहाँ से। हाँ और जो बड़े हमारे बड़े वो दो भैंस खरीदे। हाँ और दो भैंस से तबेला इतना बनाए पूरा यानी कावड़ होते थे। हाँ दूध जैसे आप सुनते हैं। हाँ उसी से फिर तबेला चार तबेला बना, सात तबेले होते हैं। 500 भैंसे पहले, 500 भैंसे मुंबई में दीवाल के अंदर इस तरह से खांचे बने होते थे पहले, जहाँ पर डिबरियाँ रखी जाती थी या कोई भी सामान रखा जाता था। मैंने कमरे में देखा तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि किस तरह से पुराना स्ट्रक्चर होता था और पुराने तरीकों में किस तरह से चीज़ें रखी जाती थी। हाँ मजबूत अभी भी बहुत है वैसे, इतने साल कर लेते सभी यहाँ रहते हैं। हाँ ये सब दरवाजे जो है मौसी सब पुराने ही हैं। ये इसकी कंडीशन जैसी ऐसा लगता नहीं इतना पुराना है। सब पुराना तभी का ही जब ये भी सारे दरवाजे तभी के हैं। ये क्या चीज का बना है, कौन सी लकड़ी है ये, इतनी स्ट्रांग है अभी भी? सागौन। सागौन की है, किसकी है ये? साखू की है, सब पहले के है। एक भी नया नहीं। नीचे कितना देखो पीओपी बनता है आजकल के जमाने में। हाँ और पहले नकासी करते थे। इतना पुराना घर होने के बावजूद भी ये देखिए यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए किस तरह से रोशनदान जगह जगह पर बनाए गए। खिड़कियाँ तो हैं ही बड़ी बड़ी, साथ में रोशनी के लिए रोशनदान की जगह भी बनाई गई है। अपने हाथ से अपने खुद ये मुझे बड़े मामा भी बता रहे थे। मैं उस दिन बात करी थी ना बड़े मामा से तो पूरा ईयर बता रहे थे कौन से सन में घर बना था, फिर ऊपर का फ्लोर फिर कब ऐड हुआ। वो बाद में हुआ था ना, मामा के मौजूदगी में हुआ था बड़े मामा के। फिर वो बोल रहे थे कि हम जब आते थे यहाँ पर गर्मियों में तो ईटे वीटे हम भी लगाते थे घर के, तो बोलते हैं मुझे बोले उसके लिए हमें मेहनताना भी मिलता था। मैंने कहा क्या मेहनताना मिलता था, तो बाद में मैंने पूछा क्या मिलता था आप लोगों को, तो फिर वो बोले कि मिलता था हमें आशीर्वाद मिलता था। बताओ क्या बता रही थी? बाबा लोग के समय हाँ हमारी बताते हैं
कि उस समय भी हम लोग घूमने के लिए हम लोग को भेजा जाता था रेस कोर्स जाओ और आइस स्केटिंग वगैरह। आप लोग की अम्मा मतलब आप लोग की मम्मी लोग के टाइम की बात है ये, पता नहीं कितने साल पहले, कितने साल मुंबई में तो बोलते उसके लिए हम लोग को भेजा जाता था कि अरे 60 साल के तो हम ही लोग उसके पहले की बात, मतलब वही 50 साल में आप लोग भी रेस कोर्स एंड आइस स्केटिंग वगैरह ना आपने बताया वगैरह भी देखने के लिए भेजा जाता है भैया, शूटिंग वगैरह तो देखने जाते ही थे बाबा। और उनका ये उस समय नाना जी लोगों का क्या माइंडसेट था, क्यों भेजते थे लेडीज को इस तरह से कि भाई सीखे देखे ना? हाँ मतलब बहुत फ्रीडम थी हम लोग के उस घर में, उस समय भी हमारे बाबा ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया और फीमेल्स को तो पूरा फ्रीडम था, कोई ये नहीं था कि भैया फीमेल है तो लोग यहाँ नहीं जा सकते, और लड़की और लड़की लोग को तो भाई सब सर पे पहले सबसे पहले जो है लड़कियों का है पहले गर्ल्स को पूछा जाए उसके बाद फिर बॉयज को, सबसे प्रायोरिटी यहाँ पे लड़कियों का ऐसा बहुत पूजा भी देवी की करते थे पापा लोग, तभी तो दुर्गा जी देवी का वहाँ अयोध्या में घर बनवाए इससे आधा है मतलब उससे वहाँ पर ना हमारी जो बड़ी माँ थी वहाँ पर कवलवास करते एक एक महीना रह के पूजा करते, मैं भी गई हूँ एक महीना रहते अच्छा बाद में उसको दान कर दिया है ना। नहीं नहीं अभी चल रहा है अब हम मतलब आने मंदिर के हमने कर दिया मंदिर को पंडित को दे दिया है दान कर दिया है अभी यही सेटअप बना है ये जो हाथी वहाँ पर बना अपने लिए तो किया ही और जन कल्याण के लिए भी बहुत जल्दी उतरो संभाल के आइएगा स्टेज पे आराम से संभाल के चलो पहले मुझे भी लगता है ये डोर दिखा देते सब लिया 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 आइए वीडियो बनवाने का कितना शौक है क्यों नहीं भाई ज्यादा ही शौक हो गया बिल्कुल वैसी होने चाहिए तभी तो मजा आएगा मेरी दादी को थोड़ा आप लोग सिखा दीजिए दादी बिल्कुल तुम्हारी सीख जाएंगी क्यों नहीं सीखेंगी यार ये दरवाजे देखो यार कितने बढ़िया है एकदम ये भी मौसी ये भी पुराना ही है क्या ये दरवाजा भी मेन क्या मोटा दरवाजा है ले रही हूँ हाँ ये मैंने लिया था वैसे आते समय बहुत बारीक नक्काशी की हुई है एकदम ये सब हाथ के अब यही सब पीओपी में बन रहा है मतलब वो पान वाले जो बैठते थे वो कहाँ बैठते थे यहाँ पर क्या वो अच्छा वो जो पतला सा दरवाजा है वो डाक खाना यहीं से यानी पूरे गांव में चिट्ठी जाती थी चिट्ठी जाती थी और हाथी का क्या है ये सामने वाला है ये वाले और ये गेस्ट हाउसेस यहाँ से रास्ता था बाहर की तरफ तो वॉशरूम बाहर रखने का क्या रीजन होता था पहले मम्मा बाहर ही रहता था इसको वो मानते थे अनक्लीन तो घर के अंदर वॉशरूम नहीं पीछे रखते अच्छा वो गंस वगैरह आते थे तो घर के अंदर नहीं आ पाता अच्छा साल पहले भी टॉयलेट वगैरह अच्छे से बने हुए सीमेंटेड ऐसा नहीं था कि भाई अच्छे से पहले तो बगीचे जैसे था पीछे पूरा
गुड़िया मेरी शादी में जब बारात आई थी तो यहाँ सब बैठ गए थे, कभी आना खाली था। अच्छा, आपकी बारात यहीं आई थी? रहने के लिए वहाँ व्यवस्था थी, लेकिन द्वारचार वगैरह करते हैं ना, तो मतलब इतना बड़ा ये फील्ड था कि ऐसा लग रहा था तभी खाली है। एक्चुअली बड़ा तो बहुत है, एक बार मैं कैमरा पैन करके दिखा देती हूँ कितना ह्यूज स्पेस है ये, और मैं बीच में खड़ी हूँ एकदम ग्राउंड के, तभी भी इतनी जगह है। ये कुआं और मंदिर ना, कहाँ पर कहाँ पर पानी इसमें, इसमें बतख थी, पानी भरा रहता था, बतख एक बतख इसमें रहता था हमेशा, बहुत शुभ मानते थे इसको। अच्छा अच्छा, इसके लिए शुभ के लिए रखा गया था। अरे वाह, पानी लोग आज इतना आजकल इतना वास्तु वास्तु करते हैं भाई, पुराने ये घर को देख के कोई समझे कैसे रखते हैं, मतलब घर शान क्या होना चाहिए। हमने सामने हर एक चीज है, बहुत बढ़िया। हाथी का होना, आपका खुद का बताओ, हाथी पाल रहे हैं, बतख है यहाँ पे, मंदिर है, कुआं है, एवरीथिंग करेक्ट। पूरा अच्छा, वहाँ से यहाँ तक बैल बंधे होते थे, तो वो क्या गिर गई क्या वो दीवार, वहाँ सारा गिर गया, गिर गया पूरा वहाँ तक था, एंड तक पूरे बैल रहते थे यहाँ पर। हाँ, बैल इस तरफ बैल और उस तरफ जो है भैंस पली रहती थी और गाय। अच्छा, गाय के लिए वो बना, गाय और भैंस वहाँ, बैल इस साइड। अभी इधर भी तो देखो ना सब बंधे हुए। हाँ, यहाँ से भी गेट है, बड़ा वहाँ से एंट्री है, वो गेट है वहाँ पे, आगे जाके देखेंगे तो। अच्छा, नहीं है वो, वहाँ से गेट है अंदर आने के, अब अंदर बाहर तो जाके वहाँ से वो गेट, और दूसरा कौन सा गेट, एक सॉरी सॉरी ये वाला ना, एक गेट और एक ये, वहाँ से वो गेट बना पूरा। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।